गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं संक्रमण धातुओं के चुंबकीय गुणों के बारे में। देखिए, परमाणु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दो प्रकार की गति करता है। एक होती है कक्षीय गति और एक होती है अक्षीय गति। अब देखिए, कक्षीय गति, जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो कक्षा में गति करता है, और जिस प्रकार कक्षीय पथ में गति करता है उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर भी गति करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्ष में गति करता है तो उसे कक्षीय गति कहते हैं, और जब वो अपनी अक्ष पर गति करता है तो उसे अक्षीय गति कहते हैं। इन दोनों ही गतियों के फलस्वरूप चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, जबकि अक्षीय गति के कारण उत्पन्न आघूर्ण को अक्षीय या बोलूं चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इन वृत्ताकार पथ जिनको अपन बोलते हैं कक्षा में गति करेगा तो एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, जिसको कहा जाता है कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। और इसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर गति करता है तो भी एक आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसे चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। और इन दोनों आघूर्ण की वजह से प्रत्येक परमाणु एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है, इसलिए जब उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है या उस पर कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो पदार्थ अपने अक्षीय आघूर्ण व चक्रण आघूर्ण के कारण उस चुंबकीय क्षेत्र के साथ अंतरक्रिया करता है। दोबारा सुने कि एक इलेक्ट्रॉन जब वो कक्षा में गति करेगा तो उसको बोलेंगे कक्षीय गति, जब अपने अक्ष पर गति करेगा तो उसको बोलेंगे अक्षीय गति, कक्षा में गति करेगा तो जो आघूर्ण उत्पन्न होगा उसे बोलेंगे कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, अक्ष पे गति करेगा तो उसे बोलेंगे चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। और इन दोनों आघूर्ण की वजह से जब किसी भी एक परमाणु छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है, इसलिए जब उसे चुंबकीय क्षेत्र में या बोलूं चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रखा जाता है तो वो इनके साथ अंतरक्रिया करेगा। अब इस अंतरक्रिया के आधार पर देखिए, पन्ने पदार्थों को बांटा है, एक होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, एक होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, एक होते हैं फेरोचुंबकीय या ऐसे लिख देती हूँ लोह चुंबकीय पदार्थ। अब देखें अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थों की। प्रतिचुंबकीय पदार्थ देखें, यदि किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखें और उस क्षेत्र की तीव्रता निर्वात की तुलना में कम हो जाए तो ऐसे पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, वह यह गुण प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। इसका मतलब देखें ये कि कोई अपन ने चुंबकीय चुंबक ले रखी है जिसके ध्रुव है एन व एस, इसमें अपन ने उस पदार्थ को रखा और ये पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं को अपने से क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो इस पदार्थ को कहेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ और इस गुण को कहेंगे प्रतिचुंबकत्व। अर्थात ऐसे पदार्थ चुंबकीय बल रेखाएं दूर होने लगती हैं और चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होने लगते हैं। अतः यदि किसी छड़ को मुक्त अवस्था में लटकाया जाए तो यह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में व्यवस्थित होने का प्रयास करती है। तो ऐसे पदार्थों को अपन क्या बोलेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब देखें, यदि मान लीजिए किसी भी कक्षक में दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, देखिए दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये मान लीजिए क्लॉकवाइज चक्रण करेगा तो इसका चक्रण कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज।
और इसके अगर चक्रण अवघूर्ण का मान माइनस हाफ या बोलू प्लस हाफ है तो एंटी क्लॉकवाइज के चक्रण चुंबक या अवघूर्ण का मान बोलो कितना होगा, माइनस का हाफ। और चूंकि एक दूसरे के अपोजिट है इसलिए क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल। अतः इस स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न किया हुआ चुंबकीय आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न किए गए चुंबकीय आघूर्ण को उदासीन कर देता है। फलतः ऐसे यौगिकों का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण जीरो होता है। तो मैं बोल सकती हूँ कि प्रति चुंबकत्व प्रत्येक पदार्थ में पाया जाता है क्योंकि यह युग्मित इलेक्ट्रॉन, प्रति चुंबकत्व इनको अपन क्या बोलेंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन का गुण है। और युग्मित इलेक्ट्रॉन अपन को पता है हर एक पदार्थ में होते हैं, लेकिन यह प्रदर्शित केवल उन पदार्थों में होता है जिनमें केवल और केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन हो। मान लीजिए एक भी अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन हुआ तो वहां पे प्रति चुंबकत्व प्रदर्शित नहीं होगा, फिर वहां कौन प्रदर्शित होगा, अनुचुंबकत्व। अनुचुंबकत्व व प्रति चुंबकत्व दो विपरीत दिशा में कार्य करने वाले गुण हैं, और चूंकि अनुचुंबकत्व प्रति चुंबकत्व से सदैव ही ज्यादा होता है, ये इसलिए यदि किसी भी परमाणु में युग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ साथ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वहां पे प्रति चुंबकत्व प्रदर्शित नहीं होता, कौन प्रदर्शित होगा, अनुचुंबकत्व। तो प्रति चुंबकत्व हर एक पदार्थ में पाया जाता है क्योंकि अपन को पता है युग्मित इलेक्ट्रॉन हर एक पदार्थ में होते हैं, लेकिन यह दिखाई केवल उन्हीं में देगा जिनमें केवल और केवल क्या होंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ अनुचुंबकीय पदार्थों की। देखें अब अपन बात कर लेते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ देखें, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को अपने में से गुजरने देते हैं, अर्थात चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि इसको रखेंगे तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को अपने में से गुजरने देंगे, अर्थात चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, तो ऐसे पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। वह पदार्थ के इस गुण को अनुचुंबकत्व कहा जाता है। अतः जब एक अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में या एक यदि ऐसे पदार्थ की एक छड़ को मुक्त अवस्था में चुंबकीय ध्रुवों के विपरीत लटका दिया जाए तो यह ध्रुवों के बीच व्यवस्थित होने का प्रयास करती है। ध्यान रखेंगे प्रति चुंबकत्व में अपन ने पढ़ा था कि चुंबकीय बल रेखाओं को अपने में से गुजरने नहीं देते, प्रतिकर्षित करते हैं, और यदि कोई छड़ को अपन लटकाते हैं तो वो चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत दिशा में व्यवस्थित होने लगती है। लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय बल रेखाओं को अपने में से गुजरने देते हैं। यदि अनुचुंबकीय पदार्थ की किसी छड़ को इन चुंबक के दो ध्रुवों के बीच स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो वो उनके बीच में आने की कोशिश करती है। आगे देखें ऐसे पदार्थों को अपन क्या कहेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ। अब देखें अनुचुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकत्व किन पदार्थों में प्रदर्शित होता है, जिनमें क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो मान लीजिए या तो उसका चक्रण आघूर्ण होगा प्लस हाफ या बोलो क्या होगा, माइनस हाफ। अगर वो क्लॉकवाइज घूमेगा तो प्लस हाफ, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो माइनस हाफ। इस स्थिति में क्या कुल चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य हो सकता है क्या, नहीं। इसलिए अनुचुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य नहीं होता है, कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण जरूर होता है। अब वो क्या होता है वो आगे अपन फॉर्मूला से निकाल लेंगे। अब देखें फेरो चुंबकीय पदार्थों के बारे में बात करते हैं। फेरो चुंबकीय या इन पदार्थों का एक नाम और है लोह चुंबकीय पदार्थ। और ये जो पदार्थ होते हैं ये भी फेरो चुंबकीय पदार्थ में देखें, पदार्थ का यह गुण अनुचुंबकत्व का ही एक विस्तृत रूप होता है। कुछ
कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें अनुचुंबकत्व का गुण अधिक होता है और ऐसे पदार्थों को यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उनमें स्थायी चुंबकत्व का गुण आ जाता है, स्थायी चुंबक बन जाते हैं। ऐसे पदार्थों को कहा जाता है फेरो चुंबकत्व या लोह चुंबकत्व। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल बोलो कौन होता है, आयरन। और आयरन को क्या बोलते हैं अपन, लोह। इसीलिए पदार्थों का नाम क्या है, लोह चुंबकीय पदार्थ। अब आगे देखें, अब ये जो अपन ने कहा कि यदि कोई पदार्थ अनुचुंबकीय होगा तो उसके कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा, तो उस चुंबकीय आघूर्ण को अपन गॉय विधि के द्वारा निकाल सकते हैं। मैं सीधे फॉर्मूला लिख रही हूँ, देखिए म्यू बराबर होता है एन इंटू एन प्लस टू का अंडर रूट बोहर मैग्नेट्रॉन। बोहर मैग्नेट्रॉन इसकी इकाई है जिसमें इसको अपन प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे जो ये एन होता है, एन होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ध्यान रखेंगे आप फॉर्मूला, म्यू बराबर एन इंटू एन प्लस का टू, और इकाई इसकी बोलो क्या होती है, बोहर मैग्नेट्रॉन। ये इसको मापते हैं चुंबकीय आघूर्ण को, और यहाँ पे एन बोलो क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब मैं किसी एक उसके लिए आपको निकाल के बता देती हूँ, बाकी आप निकाल लेंगे। जैसे देखिये मैं बात करती हूँ, मान लीजिए टाइटेनियम टू प्लस में चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, ये अपन को निकालना है। चलो अपन पहले टाइटेनियम की बात करते हैं। टाइटेनियम कितने नंबर पे आता है, 22 पे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं, 18 हो गए। पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएंगे, 20, 21 और बोलो कितने हो गए, 22। क्लियर, ये बात करी अभी मैंने टाइटेनियम की। अभी टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितना है, प्लस का 2। इसका मतलब s वाले क्या दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे क्या, और जैसे निकल जाएंगे यहाँ पे देखो d में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2। क्लियर, टाइटेनियम 2 प्लस आयन है, यहाँ पे मैंने टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। 2 प्लस में एस वाले दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2। अब डी में देखो यहाँ पे 3d2, ठीक है। अब देखो डी में कितने सबसेल होते हैं, 5। क्लियर, दो इलेक्ट्रॉन मुझे भरने हैं। कुंड के अधिकतम भौल्यता नियम के अनुसार अपन इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दो इलेक्ट्रॉन आ गए। अब बताओ नंबर ऑफ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एन का मान कितना आ गया, 2। फॉर्मूला में रखेंगे एन इंटू एन प्लस का 2 बोहर मैग्नेट्रॉन, म्यू आ जाएगा। एन का मान कितना है, 2। 2 इंटू 2 प्लस 2, इसका मतलब हो गया 4 × 8 का रूट। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। मान लीजिए यहाँ अंडर रूट नो होता तो उसको आप कितना लिख देते, 3, पर ये रूट 8 है तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ क्या, 2.7 लिख दो, 2.8 लिख दो, तो जो अपना मान आएगा वो लगभग आ जाएगा 2.7 बोहर मैग्नेट्रॉन के इक्वल। क्लियर, ऐसे ही आप किसी भी आयन के लिए, एन किसी भी परमाणु के लिए क्या निकाल सकते हैं, चुंबकीय आघूर्ण का मान। जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये दे दिया Mn2 प्लस के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान निकाल लिए, ठीक है। अब Mn के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, बोलो मैं केवल d वाला ही दिखा रही हूँ, 3d5 4s2। अभी ये बताओ Mn2 प्लस में है क्या, s वाले दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, कितने बचेंगे, d5। अब यहाँ पे आपको पता है कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, 5। क्लियर, फॉर्मूला में रखोगे एन की जगह 5 × 5 + 2 का अंडर रूट। क्लियर, 5 और 2 कितने हो गए, 7 × 5 कितने हो गए, 35 का अंडर रूट। अब अगर मान लो ये 36 होता तो कितने लिख देते, 6, पर चूंकि ये 35 है तो मैं इसको कितना लिख देती हूँ, 5.8 बोहर मैग्नेट्रॉन। क्लियर, ठीक है। अब देखिए आगे एक मैं आपके सामने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की चर्चा कर रही हूँ, देखिए K4Fe(CN)6। और यहाँ पे देखिए आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट अपन को निकालनी है, अगर ऐसा कोई आ जाएगा तो अपन क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की, डी ब्लॉक मेटल आयरन है। चलो पोटेशियम एल्केलाइन मेटल है, क्षारीय धातु, इस पे 1 पे चार्ज +1, तो 4 पे कितना होगा, +4। प्लस आयरन पे निकालना है क्या लिखेंगे, 1 साइनाइड पे चार्ज कितना होता है, -1, तो 6 पे कितना होगा, -6। कॉम्प्लेक्स पे क्या कोई चार्ज है क्या, नहीं, क्या कर देंगे, 0, ठीक है। अब देखें यहां से
ये हो गया x बराबर, ये माइनस के 6 उधर जाएंगे तो प्लस के, और ये प्लस के क्या हो जाएंगे माइनस के, बोलो कितना आ जाएगा प्लस का 2। इसका मतलब आयरन कौन सी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 2 प्लस में, ठीक है। अब देखिए अगर ये 2 प्लस में है तो अपने अकॉर्डिंग तो Fe 2 प्लस में है, मैं लिख देती हूँ Fe 2 प्लस। अब सबसे पहले मैं आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखती हूँ 3d6 4s2, क्लियर। ये दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे Fe 2 प्लस में तो क्या बचेगा 3d6। और अब मैं जब निकालूंगी तो हुंड की अधिकतम बाहुल्यता नियम के अनुसार पहले हर एक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन और फिर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा युग्मन, बोलो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए 4। फॉर्मूला में रखोगे तो 4 + 2 का अंडर रूट 4 और 2 6 + 24, बोलो अपने हिसाब से कितना आना चाहिए था, अगर 25 होता तो 5 कर देते लगभग 4.8, लेकिन ये नहीं आता ऐसे। अब क्यों नहीं आता उसका रीजन समझे कि जब ये कॉम्प्लेक्स अपन ले रहे हैं K4 Fe CN6, क्लियर। अब यहाँ पे आप देखें लिगेंड कौन सा वाला है, लिगेंड यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और जहां कहीं पे भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वहां पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है पेयरिंग। तो आयरन 2 प्लस में देखो कितने इलेक्ट्रॉन थे अपने पास में 6, इन 6 इलेक्ट्रॉन को जब अपन भरेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग के साथ में भरेंगे, और कितने, और ये सब सेल वैकेंट रह गए 2। और यहाँ पे देखिए क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है क्या, नहीं, तो फॉर्मूला में n की जगह क्या रखेंगे 0, और 0 रखेंगे तो इसके लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान भी कितना आएगा 0, ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए संक्रमण धातुओं की धात्विक प्रकृति मेटेलिक नेचर, अपन को पता है समस्त संक्रमण धातु होती हैं वो कैसी होती हैं बोलो कठोर, साथ ही साथ क्या होती हैं आघात वर्धन्य तन्य होती हैं, गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, उष्मा और विद्युत की क्या होती हैं सुचालक, ये सारे के सारे गुण धातुओं के ही होते हैं, और इसी कारण अपन बोलते हैं कि संक्रमण धातु भी कौन सी प्रवृत्ति की होती है धात्विक प्रवृत्ति की। अब अगर ये धात्विक प्रवृत्ति की होती है तो ये निकट पैक करी हुई अर्थात निबिड़ संकुलित संरचनाएं, इसको मैं लिख देती हूँ निबिड़ संकुलित संरचना, और ये अपन ने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में जब अपन ने सॉलिड पढ़ा है कि जब ठोस को निबिड़ संकुलित करते हैं तो बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, जैसे BCC है, FCC है और सिंपल क्यूबिक, ये संरचनाएं अपन पढ़ के आए हैं। तो जो भी अपनी धातु है वो इन उनमें निबिड़ संकुलित संरचनाएं होती हैं, जैसे BCC है, FCC है, षटकोणीय है आदि। लेकिन मैग्नीज देखिए, मैग्नीज का अपन को पता है मैग्नीज में B5 होता है, तो मैग्नीज B5 विन्यास के कारण विशेष संकुलित क्रिस्टल व्यवस्था दर्शाता है, ठीक है। ये धात्विक चमक उच्च तन्यता आघात वर्धन्यता उच्च घनत्व तापीय विद्युत चालकता वाले तत्व हैं, जितने भी संक्रमण तत्व हैं वो, इनका कारण इनमें अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन और विशिष्ट प्रकार के धात्विक बंध होते हैं। इन सब धातुओं की क्रिस्टल संरचनाओं में सामान्य धात्विक बंध के साथ साथ कौन सा अतिव्यापन और होता है डी अतिव्यापन, जैसे मान लीजिए एक मेटल है ये उसके डी इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही कोई दूसरी मेटल और उसके डी इलेक्ट्रॉन, और अब जब ये आपस में डी इलेक्ट्रॉन और इन डी इलेक्ट्रॉनों की वजह से देखें यहाँ पे ये डी अतिव्यापन करेंगे और विशिष्ट प्रकार के क्या बना देंगे धात्विक। आगे देखें जैसे जैसे परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे धात्विक बंध की सामर्थ्य भी बढ़ेगी, अतः अगर अपन स्कैंडियम से कहां पे जाएं तो स्कैंडियम से क्रोमियम तक धात्विक कठोरता बढ़ती है और फिर क्रोमियम से जिंक तक धात्विक कठोरता कम होती है, और इसका रीजन आपको पता है यहां तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और फिर उसके बाद जैसे आयरन आ गया कोबाल्ट निकिल कॉपर एंड जिंक, यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होने लग जाती है कम, तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए यहां तक कठोरता बढ़ेगी और क्रोमियम से जिंक पर जाएंगे तो कठोरता कम होगी। थैंक यू।